हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुप्रभात। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आपके साथ एक नए ब्लॉग में, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं हूँ अपनी नानी के गांव थापला, संगला कोटी थापला। और यहाँ पे एक मूर्ति स्थापना होनी है एक मंदिर में, और अभी 4-5 दिन मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ। तो जैसे कि कल आते ही एक कुत्ते ने बड़ा ख़तरनाक अपना रूप दिखाया था, तो अभी मैं यहाँ से पानी लेने जा रहा हूँ पंदेरे, और मैं दिखाता हूँ कि पंदेरा कैसा है हमारा जो नानी के गांव का है। और वहीं से मैं, अगर हो पाएगा तो मैं आपको गांव भी दिखाऊंगा पूरा गांव, क्योंकि जब मैं वो कल आया था तो कल मैं ऊपर के रास्ते आया था, तो वहाँ से इधर का गाँव पूरा नहीं दिखता, और वहाँ से पल्ली साइड से जहाँ पानी है वहाँ से गांव दिखता है। तो चलो मैं ले चलता हूँ आपको पनीरा। और यहाँ पे गाय है, और ये बिया रखी है, 7-8 दिन हुए इसको। अभी इसकी एक छोटी सी बछिया है, और इसके पास हम जा रहे हैं ना, तो ये मारने के लिए आ रही है। और यहाँ पे बैठी है मेरी नानी, ये बैठी है, ये मेरी नानी है, तो देखिए आप, मेरी नानी है। कौन देख रहा है? और मैं इसका नाती हूँ, और ये मेरा बेटा है। तो मतलब ये लगाई क्या झड़नती कहते हैं, झड़नती भी साथ में है। देखो कैमरे में आने के चक्कर में बाल बिल्कुल ठीक कर रही है अपने, देखो। और यहाँ पे मैं चल रहा हूँ पानी लेने के लिए, और ये है गागर जिसको लेके हम पानी लेने जा रहे हैं। और इसमें पानी लेके आऊंगा मैं अपने कंधे में रख के ऐसे ऐसे। ये आगे से लगे हुए हैं रुद्री और सैंकी भाई, देखिए आप, रुद्रा है आगे चला गया सैंकी। और ये आपको सामने दिख रहे हैं, जो ये घास एक हिसाब से स्टोर किया हुआ है, और हमारे यहाँ बोलते हैं इसको पलकुंड। तो आपके यहाँ क्या क्या कहते हैं आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ये है पलकुंड, और अब हम पहुंचने वाले हैं पंदेरे में। अरे पहुंच गया अपने नानी के गांव के पंदेरे में। और ये रुद्री है, और ये सैंकी, देखिए कलसी को धो के उसमें पानी भर रहा है। और यहाँ पे गणेश जी हैं, और यहाँ पे है ये पूजा का घर बना रखा है यहाँ पे। तो ये पंदेरा है, और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि पूजा का घर बना रखा है, इसे हम कहते हैं बालन देवता। यहाँ पे पूजा की जाती है, जब एक गाय बियाती है उसका बच्चा होता है, तो 11-12 दिन के बाद यहाँ पे आके पूजा जाता है, और उसी गाय के दूध से दही जमा के, और उसको दूध को ला के यहाँ पे, और ये गोबर का बना रखा है इसमें डाल के, और ये जो एक पेड़ होता है खिन्ना, तो खिन्ना की 4 डंडियों वाला उसको रौड़ी कहते हैं, जिससे कि मथनी कहते हैं, जिससे दही मथी जाती है, उसे ला के इसमें रख के, और इसमें दूध डाल के, और गणेश जी का पूजन इत्यादि करके। और उसके बाद जो लोग 11 दिन से पहले दूध नहीं खाते, तो 11 दिन के बाद फिर दूध खाते हैं। तो ये है बालन देवता, और ये है मेरी नानी के गाँव का पंदेरा, और ये रुद्री पानी भर रहा है यहाँ पे। और ये देखिए आप, सैंकी अपने कंधे में पानी की गगरी को लेके
जा रहा है और पीछे से रुद्रा नाचते हुए जा रहा है। यहाँ पे हम जा रहे हैं घर और यहाँ पे मेरे पापा पीछे जो यहाँ पे पानी के गगरे लेके आ रहे हैं। सांगी भैया तो हमसे पीछे आगे ही चला गया, हम पीछे ही छूट गए। जो यहाँ पे हम घर जा रहे हैं पानी लेके, हम जब घर पहुंचे तो यहाँ पे मामा जी जो किशोर मामा जी हैं, ये बड़े मामा जी हैं, तो ये यहाँ पे पकौड़ियों की तैयारी कर रहे हैं। ये पूरा मैटर तैयार हो चुका है और अब तली जाएंगी पकौड़ियाँ। तो यहाँ पे देखिए आप, ये अब हम लोग पकौड़ियाँ बना रहे हैं। ये देखिए सुंदर कढ़ाई में डाल के, किशोर मामा जी हैं और पकौड़ी एक बार की निकाल दी हमने और यहाँ पे बैठे हुए हैं झंडा पकड़ के कमलेश मामा जी। और कमलेश मामा जी और किशोर मामा जी पकौड़ी निकाल रहे हैं और अब खाना भी तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे जो पहाड़ों में जो संस्कृति है, परंपरा है, उसमें एक साथ बैठ के पूरा परिवार, पूरा गांव और ऐसे ही पंगत में बैठ के भोजन करता है। तो आप देखिए यहाँ पे मामा जी भात निकाल रहे हैं। ये हैं डब्लू मामा जी जो कि खाना दे रहे हैं और सबके सब प्यार से बैठ के एक साथ सामूहिक भोजन कर रहे हैं। ये है उत्तराखंड की संस्कृति। ये कुत्ता वही कल वाला, अरे देखो अभी भी इसको लेके जा रहा है सानू। ये मामा जी का लड़का है, ऐसे देखो ये मेरी तरफ आ रहा है। इसने कल घर पे आने नहीं दिया था। चल 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 भाई। और अभी जा रहे हैं हम नीचे लकड़ी लाने के लिए और यहाँ पे जो लकड़ियाँ हैं वो नीचे छन्नी में रखी हुई हैं, जहाँ पे गाय रखी जाती है या भैंस बकरियाँ, उनको कहते हैं छन्नी। तो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे पीछे है ये छन्नी जिस पे लाल चादर लगी हुई है नीचे, और यहीं पीछे रखे हुए हैं लकड़ियाँ जो कि अब खाना बनाने का टाइम हो रहा है शाम के लिए। तो शाम के लिए जो खाना बनेगा वो उन लकड़ियों में बनेगा और वो है खड़ी की लकड़ियाँ। जो यहाँ पे पहाड़ में एक पेड़ होता है खड़ी का, उसकी लकड़ियाँ हैं। ये हैं लकड़ियाँ, इनको अंदर से मनीष डाल रहा है जो कि अभी अभी आया शाम को हरिद्वार से। और यहाँ पे सैंकी बिल्कुल पैक हो रखा है क्योंकि ठंडा हो गया मौसम, फिर शाम को चेंज हो गया है जो मौसम था वो फिर चेंज हो गया। पीछे आप देखिए कि बहुत खतरनाक बारिश होगी अगर बारिश होगी तो, और बूंदाबांदी हो रही है तो मौसम का भरोसा नहीं है कि कब वो बारिश कर दे। और यहाँ से आप जाएंगे हम लकड़ियाँ लेके। ये जो लकड़ी है इसको बोलते हैं फनेटे, आप देख रहे हैं। और ये जो सैंकी हाथ में लेके आ रहा है उसको कहते हैं क्याड़े। और ये आग जलाने के लिए, स्टार्ट में आग जलाई जाती है चूल्हे में, आग सुलगाने के काम आती है। और ये है मनीष, ये देखिए ये है मनीष, छोटा भाई है, मामा जी का लड़का है। अब लेके जा रहे हैं हम लकड़ियाँ, चलो भाई। और ये कंधे में रखे हमने फटे और अब जा रहे हैं हम घर। और मेरे पीछे से सैंकी आ रहा है। और मैंने कहा था कि बारिश आने लग गई है तो बारिश हो गई फिर स्टार्ट। और यहाँ पे कुछ कपड़े धो रखे मेरे आज के जो मामी ने धोए, अब इनको उठा के सूखेंगे तो नहीं, अभी अगर धूप नहीं लगी तो दो तीन दिन तक तो सूखने वाले हैं नहीं। और मैं इनको वहाँ ऊपर नीचे जो मकान की छज्जी होती है उसके नीचे रखने वाला हूँ क्योंकि वहाँ पानी नहीं आता है। मैं लेके जा रहा हूँ अपने कपड़ों को क्योंकि बहुत ज़्यादा गीले हैं, अभी आप देखो तो इनमें पानी निकल रहा है। ये देखिए आप, अभी पानी निकल रहा है। तो ये लगा लो, अगर बारिश ऐसी रहती है तो फिर कपड़े सूखने से गए। पर मैं तो ज़्यादा कपड़े लेके भी नहीं आया। ये जो जैकेट है ये भाई की है सार्थक की, और कपड़े सारे गीले हैं, कल शाम को नहाना पड़ा था।
तो पूरे कपड़े गंदे हो गए थे, तो इसलिए अब इनकी तो हालत खराब है जब तक धूप नहीं आती है। और लेके जा रहा हूँ, शाम ढल चुकी है और ये सुंदर नज़ारा शाम का, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें।